हाई एवरी वन दिस इज़ वानिका आज का टॉपिक हमारा हिमाचल प्रदेश पे है सेंटर ने हिमाचल प्रदेश की एक रिक्वेस्ट को मना कर दिया है जहाँ पे हिमाचल ने रिक्वेस्ट किया था कि हम मंकीस को वर्मिन घोषित करना चाहते हैं वर्मिन क्या होते हैं मैं आपको इस लेक्चर में बताऊँगी चलिए आगे चलते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं कहीं पर भी फेसबुक इंस्टाग्राम टैलीग्राम पी डी एफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा ये न्यूज़ आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स की प्रिंट मीडिया पे सेंटर टर्न डाउन हिमाचल रिक्वेस्ट टू डिक्लेयर मंकीज एड वर्मेन अगेन यानी इन्होंने पहले भी ये रिक्वेस्ट किया था फिर से रिक्वेस्ट किया और ये डिक्लाइन हो गया अब जो मंकी है इसका साइंटिफिक नेम है रेसिस में तो वर्मेन एक्चुअली वो जानवर होते हैं जो ह्यूमंस के लिए क्रॉप्स के लिए काफ़ी खतरनाक हो जाते हैं हार्मुल हो जाते हैं और फिर हम इनको मारने की परमिशन देते हैं कि आप इनको कल कर सकते हैं मार सकते हैं यूजली uh, किसी भी एनिमल को मारने से पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पास लाइस लाइसेंस या परमिशंस होनी चाहिए प्रॉपर तभी आप किसी जानवर को मार सकते हो अदरवाइज मारना अलाउड नहीं होता लेकिन स्केड्यूल फाइव में अगर हम कुछ एनिमल्स को कुछ समय के लिए रख देते हैं तो हम उनको मार सकते हैं दे कैन बी कल्ड तो यही रिक्वेस्ट यहाँ पे हिमाचल प्रदेश ने की थी क्यों की थी हम अब बताएँगे आपको लेक्चर में देखिए ये आर्टिकल भी देख सकते हैं कि डिसेंटर ने डिक्लाइन कर दिया है कोर्ट से मिनास टू दोसाइटी शो नो रिग्रेट तो देखिए क्योंकि मंकीस ने बहुत ही हाहाकार मचा रखते हैं हिमाचल प्रदेश में आप स्पेशली देखेंगे लोगों की फसलें खराब कर देंगे लोगों के घरों पे अटैक करेंगे तो काफ़ी एक मिनेस क्रिएट करते हैं मंकीज़ तो स्टेट ने रिक्वेस्ट इसीलिए किया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को कि मंकीज़ को फिर से वर्मिन घोषित करो क्योंकि एक बार पहले हिमाचल प्रदेश ने मंकीज़ को कुछ समय के लिए वर्मिन घोषित किया था जो पहला नोटिफिकेशन था वो अप्रैल में एक्सपायर हो गया तो अप्रैल के बाद ये बोल रहे हैं कि फिर से आप वर्मिन इसको घोषित करो तो रिसर्स में क्या जो मंकीज़ हैं वर्मिन उनको घोषित किया गया था हिमाचल में फोर्थ टाइम uh, तो फोर्थ टाइम में आप ये पुराना ये आर्टिकल ऑलमोस्ट एक साल पुराना है तो चार बार वर्मिन घोषित किया जा चुका है मंकीज को हिमाचल प्रदेश में अब वर्मिन का मतलब क्या होता है जैसे मैंने आपको बताया वो वाइल्ड मैमल्स या बर्ड्स जो कि क्रॉप्स के लिए हानिकारक होते हैं फार्म के एनिमल्स के लिए हार्मुल होते हैं और डिजीज़ भी कैरी करते हैं तो उस केस में किसी जानवर को आप वर्मिन घोषित कर सकते हैं इंडिया में अगर आपको किसी एनिमल को वर्मिन घोषित करना है तो ये कंडीशन होनी चाहिए कि ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए वो डेंजरस होना चाहिए जैसे कि स्टैंडिंग क्रॉप्स हो गए और डिसेबल्ड और डिजीज़ या तो वो जानवर डिसेबल हो चुका है उसको कोई प्रॉब्लम है या वो काफ़ी बीमार है रिकवरी नहीं हो सकती तो उस केस में किसी जानवर को वर्मिन घोषित किया जाता है अब ये जो प्रोविजंस हैं इनको यूज़ करके किसी भी एनिमल को स्कड्यूल वन टू फोर में यूजली काफ़ी सारे जो एनिमल्स हैं इंडिया में उनको स्कीड्यूल वन टू फोर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का है उसमें आप आ, को प्रोटेक्शन भी दे रखी है लेकिन इसके अंदर जितने भी एनिमल्स हैं उनको वर्मिन घोषित किया जा सकता है आप उसको अगर लिस्ट कर देंगे स्कड्यूल फाइव में कुछ समय के लिए कुछ पीरियड के लिए और ये पावर किसको दे रखी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को बाय सेक्शन 62 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ये इस मिनिस्ट्री के पास ये पावर है सेंटर की मिनिस्ट्री के पास करेंटली कुछ एनिमल्स हैं जो वर्मन हैं जैसे कि कॉमन क्रो हो गया फ्रूट पैट्स हो गए माइस हो गया रैट्स हो गए तो इनको वर्मिन की कैटेगरी में रखा गया है लास्ट कुछ ईयर्स में जो वाइल्ड पिग हैं सस्क्रोफा इसको भी वर्मिन घोषित किया था कुछ स्टेट्स में जैसे कि उत्तराखंड में और मुंबई का मैंने आपको महाराष्ट्र का बताया था कि वो भी मांग रहे थे कि प्लीज़ यहाँ पे भी इसको वर्मिन घोषित किया जाए और कुछ एक दो स्टेट्स और लेकिन वहाँ पे अभी उनको उन स्टेट्स में घोषित नहीं किया गया था अब प्रपोजल जो है कि एनिमल को वर्मिन घोषित करने का वो स्टेट गवर्नमेंट फॉरवर्ड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आगे उस पर एक्शन लेती है अब एक बार अगर मंकीज़ को वर्मिन कैटेगरी में रखा गया तो फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको मार सकती है ताकि वो क्रॉप्स को बर्बाद ना करें उनका ह्यूमंस के साथ कन्फ्लिक्ट हो प्रॉपर्टी को लॉस ना हो जैसे मैंने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश में पहले भी मंकीज़ को वर्मिन घोषित किया गया था पहली बार किया गया था टू में नाइन्टी तहसील्स जो है हिमाचल प्रदेश के वहाँ पर एक नोटिफिकेशन निकाला गया था उसके बाद सेंटर ने एक्सटेंड करते रहे ये परमिशन कि आप मंकीज़ को मार सकते हैं एटलीस्ट चार बार ये परमिशन एक्सटेंड की गई है बारह डिस्ट्रिक्स में और मंकीज़ टेन डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हिमाचल प्रदेश में टोटल विलेजेस अगर आप हिमाचल प्रदेश के देखेंगे सेवनटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड नाइन्टी फोर विलेजेस हैं उसमें से ट्वेंटी थ्री हंड्रेड विजेज ऐसे हैं जहाँ पे बैडली हिट यानी मंकीज़ बहुत ही तबाही मचाते हैं टू में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट किया था कि काफ़ी क्रॉप लॉस हुआ है मंकीज़ की वजह से वाइल्ड एनिमल्स की वजह से स्पेशली मंकीज़ वन करोड़ का तो आप देख सकते हैं कि कितना लॉस हो रहा है फिर जाके मंकी को वर्मिन घोषित किया जाता है अब जो लेटेस्ट रिक्वेस्ट आई है सेंटर ने स्टेट को कहा है अब देखिए सेंटर ने क्यों मना किया सेंटर का रीज़न भी यहाँ पे समझना पड़ेगा उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को भाई 2016 के बाद चार बार आपकी रिक्वेस्ट हमने एक्सटेंड की जब चार बार एक्सटेंड की तो आपने क्या एक्शन लिए मंकीस की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्योंकि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए या तो आप उनको मार रहे हो या फिर आप उनको स्टेलाइज कर सकते हो कुछ समय तक के लिए ताकि उनकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज ना हो तो उन्होंने यही डेटा मांगा कि कितने मंकीज और किल्ड बाय फार्मर्स कितने मंकीज को फार्मर्स ने मारा इस पीरियड में जब उसको हमने वर्मिन घोषित किया था अब गवर्नमेंट ने एक रिव्यू पटिशन फाइल की है मिनिस्ट्री के आगे फिर से कि मंकीज को वर्मिन घोषित किया जाए बट अभी तक इस पर फैसला नहीं लिया गया उन्होंने टर्न डाउन कर दिया रिक्वेस्ट को अब स्टैटिस्टिक्स आप मंकी पॉपुलेशन के देखेंगे 2020 के स्टेटस के हिसाब से तो हिमाचल प्रदेश में मंकी पॉपुलेशन ऑफ वन लाख थर्टी सिक्स थाउजेंड फोर फोर्टी थ्री ओके ये वन यहाँ पे पीछे चला गया तभी मैं देख रही थी वन लाख थर्टी सिक्स थाउजेंड फोर फोर्टी थ्री ये मांग की पॉपुलेशन है टू थाउजेंड फोर में इनका पॉपुलेशन थ्री पॉइंट वन सेवन लाख से भी ज़्यादा था तो अब काफ़ी कम हुआ है लेकिन फिर भी ज्यादा है प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एट्रीब्यूट करता है कि अगर मंकी का पॉपुलेशन कम हुआ है तो वो किस वजह से कम हुआ है स्ट्राइजेशन प्रोग्राम इन लोगों ने चलाया था स्ट्रेलाइज करना ताकि कोई एनिमल आगे रिप्रोड्यूस ना कर सके तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एट मंकी स्ट्रेलाइजेशन सेंटर्स थे शिमला में हमीरपुर कांगड़ा ऊना चंबा सिरमौर मंडी और कुछ कुछ मोबाइल यूनिट्स भी थे जो गाड़ियों में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे 2006 से 7 में तक मोर देन 1.40 मतलब डेढ़ लाख से ज़्यादा मंकीज़ को स्टेलाइज किया गया है इन सेंटर्स के द्वारा लेकिन स्टेलाइज uh, स्टेलाइजेशन प्रोग्राम जो है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वही फिर भी अचीव नहीं कर पाए मोर देन फोर्टी मंकीज़ को मारा गया है स्टेट में सिंस उनको गवर्नमेंट डिक्लेयर किया था तो उनको मार सकते हैं लेकिन काफ़ी जगह रिपोर्ट भी नहीं किया गया कितना आप रिपोर्ट करेंगे काफ़ी ऑफिशियल डेटा आता है आपके पास लेकिन फिर भी बहुत नंबर्स जो हैं वो मिस हो जाते हैं अब स्टेलाइजेशन क्या है बहुत ही एक हीन तरीका है इंसानियत से भरा हुआ कि मंकी की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का अगर आप क्योंकि अगर आप उसको मार रहे हैं ओबियसली दैट इज़ बिट क्रूअल है ना अब आप वर्मिन आपने घोषित कर दिया उसको मारा जा रहा है तो दैट इज़ अ क्रूअल मेथड तो आप स्ट्रेलाइज़ करेंगे तो उसकी पॉपुलेशन को रोक पाएंगे तो हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला स्टेट है मतलब वन ऑफ द पहला स्टेट जिसने ये इनोवेटिव प्रोग्राम लाया कि मंकी को स्ट्रेलाइज करते हैं ताकि उसकी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को हम कर सकें कम कर सकें यहाँ पे मंकी कैचर्स को भी इनक्रेज करने के लिए पैसे देने लगे स्टेट गवर्नमेंट पाँच सौ रुपये पर मंकी देने लगे कि अगर आप मंकी पकड़ के लाएंगे तो आपको पाँच सौ रुपये दिए जाएंगे फिर वो मंकी पकड़ के लाते थे और ये स्टरलाइज करते थे तो मंकी स्टरलाइजेशन प्रोग्राम का कुछ ऐसा हुआ है कि पॉपुलेशन की स्टेबल हुई है कुछ पॉकेट्स में आपको स्टेट के नज़र आएगा लेकिन जितना इम्पैक्ट पड़ना चाहिए स्ट्रेलाइजेशन का उतना नहीं पड़ा है और करंट पेस क्योंकि स्टिलाइजेशन का जो पेस है जो स्पीड है वो कम है देखिए ये भी एक और न्यूज़ है हैदराबाद की कि पहला मंकी रिहाब सेंटर टीएस में खोला जा रहा है फर्स्ट रेस्क्यू रिहेबिलशन सेंटर मंकीज के लिए तेलंगाना में खोला गया ये एक्स्ट्रा न्यूज़ है आपके लिए इसको इनागोरेट किया गया निर्मल डिस्ट्रिक्ट में रिहेबलीटेशन सेंटर में मंकी के लिए ये फैसिलिटी साउथ इंडिया में है और ऐसी फैसिलिटी पहले भी हिमाचल प्रदेश में भी मंकीज़ के लिए रखी गई है तो वैसे नॉर्मल जस्ट फ्यू फनी थिंग्स अबाउट मंकी मावलेस मंकीज़ आप कह सकते हैं लाउडेस्ट तीन माइल तक भी मंकी की आवाज़ कुछ मंकीज़ की आवाज़ आप सुन सकते हैं क्योंकि अलग अलग स्पीशीज़ हैं इनकी uh, ये देखिए मेल मैनरल कैन बी थ्री फीट लॉन्ग इट वेज़ अबाउट तो कुछ फ़नी कॉन्सेप्ट हैं ये आप जब पी लेंगे तो इनके बारे में अलग अलग स्पीशीज़ के बारे में टाइनियस्ट मंकी कौन सा है न्यूएस्ट फाउंड कौन सा है फास्टेस्ट मंकी कौन सा है इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं ये डिफरेंट हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं याद रखिए वो रीसिस में है ये अलग अलग स्पीशीज़ हैं बाकी मंकीज़ के जिनके बारे में यहाँ पर फैक्ट्स दे रखे हैं क्वेश्चन है आपके लिए रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कंडक्ट द मंकी एज अ वाइल्ड लाइफ सेंसेस टू थाउजेंड ट्वेंटी वन कौन सी स्टेट ने कंडक्ट किया यूपी हरियाणा कर्नाटका गोवा तो so, आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे सही आंसर जो है आपको मालूम चल जाएगा जब आप पार्टिसिपेट करेंगे बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए ईएमआई पे भी कोर्सेज अवेलेबल हैं स्क्रीन पे जो नंबर दिया उस पर कॉल करके आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं थैंक यू सो मच